यूपी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर आज छठे चरण में वोटिंग हो रही है। साथ ही बता दें कि दोपहर 3 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत का आंकड़ा आपके सामने है, जहां लगातार वोटिंग देखने को मिल रही है। फूलपुर में दोपहर 3 बजे तक 39.46% मतदान होता हुआ अब तक नजर आया है। वहीं इलाहाबाद की बात करें तो दोपहर 3 बजे तक 41.04% मतदान अब तक हो चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। अंबेडकर नगर में दोपहर 3 बजे तक का आंकड़ा आप देख रहे हैं, जहां 50.01% मतदान होता हुआ अब तक नजर आ रहा है। श्रावस्ती में दोपहर 3 बजे तक 43.50% मतदान हो चुका है। दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। डुमरियागंज में दोपहर 3 बजे तक 43.96% मतदान होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें बस्ती की तो दोपहर 3 बजे तक का आंकड़ा आप देख रहे हैं, 47.03% मतदान अब तक हो चुका है। लगातार 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और इसी क्रम में संत कबीर नगर में दोपहर 3 बजे तक का जो आंकड़ा है वो है 43.49%। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लालगंज में दोपहर 3 बजे तक 44.63% मतदान हो चुका है। वहीं अगर बात करें अगली लोकसभा सीट की तो वो है आजमगढ़। आजमगढ़ में दोपहर 3 बजे तक 45.38% वोटिंग होती हुई अब तक नजर आ रही है। जौनपुर में दोपहर 3 बजे तक 43.75% मतदान अब तक हो चुका है। ये यूपी की लोकसभा सीटों का आंकड़ा आपको बता रहे हैं, जहां मछली शहर में दोपहर 3 बजे तक 43.89% मतदान होता हुआ अब तक नजर आया है। वहीं अगर बात करें भदोही लोकसभा सीट की तो यहां दोपहर 3 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो है 42.39%। यूपी में 14 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार हम मतदान प्रतिशत के आंकड़े आपको बता रहे हैं। वहीं यूपी में दोपहर 3 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया है वो है 43.95%। मतलब कि 14 लोकसभा सीटों पर लगातार सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। सुल्तानपुर में 45.31% मतदान अब तक होता हुआ नजर आया है।